मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और मुख्तलिफ ओहदों पर आप फाइज रहे हैं। मैं सबकी लोगों का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन अलाहाबाद में आने से पहले, हाईकोर्ट में ज्वाइनिंग से पहले आप सन 14 और 15 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बिजनौर थे और उसके बाद सन 15 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आगरा रहे हैं। मैं इनका मुख्तसर सा दावे ताल्लुक और इस शहर से जो ताल्लुक है उसके बारे में आपके कुछ गुजार कर दूँ कि आपके वाले में बहुत जनाब अमरनाथ मेहरुल्ला साहबी महकमे अलिया से ही जुड़े हुए थे और आपने अपने वालिद के ख्वाबों को साकार करते हुए एक होनहार सबूत होने का सबूत दिया। जरूरी होगा कि मशहूर मारूफ नावे निगार और अच्छा था जनाब हृदेश मेहरुल्ला साहब, आपने उनका नाम यकीन सुना होगा, जो हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा नाम था, वो आर्य मेहरुल्ला साहब के हकीक नीचे चाहते। एक और नाम जिससे आप वाकिफ हैं, प्रोफेसर नानक चंद मेहरुल्ला साहब, एसएस कॉलेज में तारीख के प्रोफेसर, वो भी आपके चचा। ऐसे खानदान के तत्व गुजरात के लिए तारीख और कल्चर का धनी होना स्वाभाविक है और साथ ही ऐसे महान लोगों की घरोली प्रेरित कर दिया कि इनके अंदर आज भी इंतजारी और इंसानियत की एक ऐसी मशाल चलाती है कि जिनके लक्षण कदम और चल कई नस्लें लौटकर आज एक हफ्ते बाद जब आप अपने तालीम में तशरीफ लाए तो जो खुशी उनके चेहरे से और उनके एक्ट से जाहिर हो रही थी वो नाकाबिले बयान है। हर चीज को, हर बिल्डिंग को गौर से देखना, पुराने अपने बुजुर्गों को, उस्तादों को और ऑफिस के लोगों को, इस मादरे दर्जदार में सबूत होने के नाते जब कभी भी मेहरुल्ला साहब को फुर्सत दी, शाहजहां उनके जाने उनके कदम तो बहुत चल पड़ते हैं और जब शहर आप तशरीफ लाते हैं हद से हद दीवार गैर भरोसे उड़ने वाले हद से हद दीवारों तक अंबर तक तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर एक बात फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम हाजरीन का ये ममनून हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और काफी इनकी बात दिया। मैं ज्यादा वक्त आपको तशरीफ लाए हुए इस कॉलेज के स्टूडेंट और फर्स्ट कहने की बात यह है कि जस्टिस हाईकोर्ट के जज साहब, प्रिंसिपल साहब और जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ये जो आज प्रोग्राम रखा गया है ये मामूली प्रोग्राम नहीं, ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि आमतौर पर बहुत देखने को मिलता है कोई जज पब्लिक ना करके स्टूडेंट ना करके हौसला अफजाई करे और ये साबित करे कि हम वही स्टूडेंट है जो किसी वक्त आप सारे लोग हो गया। आमतौर पर यह फैमिली वह फैमिली है जो शनापुर की बहुत ही मशहूर फैमिली है, ये मल्होत्रा फैमिली। हम तो 80 से 35 में पहुंच गए थे, आज भी है, लेकिन ये फैमिली के अलग नाम है, एक अलग सम्मान है, एक अलग इज्जत है। नमाज पढ़नी या पूजा करनी
फिर कानून आ गए, जिंदगी खत्म हो गई। कुदरत में जिसे जितना नवाजा है उतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करे, क्योंकि हर एक को कुदरत नहीं नवाजती है। लेकिन जिसे आपने फाइनेंशियल नवाजा है, तालीमी एतबार से नवाजा है, ताकत के एतबार से नवाजा है, तो इसलिए उसकी उतनी जिम्मेदारी बनती है, जो आज हमारे जज साहब ने यह साबित किया। वकील अच्छा बन गए लोगों से बात नहीं करता, लेकिन जज बनने के बाद आज ये वो कालिम उत्तर प्रदेश में अगर अलीगढ़ गोरी बस्ती का नाम भारत में आता है तो आज उत्तर प्रदेश में किसी डिग्री कॉलेज का नाम आता है तो उस डिग्री कॉलेज का नाम गांधी मैदान अली। यहाँ की ईमानदारी, यहाँ की वफादारी, यहाँ के प्रोफेसर लोगों का शहीद, यहाँ का रहन सहन, आज भी जब अलीगढ़ कभी जाना होए, दिल्ली जामिया जाना होए, तो ऐसा नहीं होता कि जेफ कॉलेज का नाम ना आए, जेफ कॉलेज में जो रिटायर हो गए हैं उनका नाम ना आए। ये देन अगर किसी की है तो उन लोगों की है, चाहे वो हाजी जमीन खान साहब हुए, चाहे यामीन खान साहब हुए, चाहे चौधरी मोहम्मद बसी साहब हुए, ये उन सब लोगों की देन है जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे करके, अपने जान की बाजी लगा करके आज सींचने के बाद उत्तर प्रदेश में पह मिला करके जेफ कॉलेज को खड़ा कर दिया, जिसकी मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। इसी के साथ ज्यादा वक्त न लेकर के, क्योंकि आप सुनने के लिए आए हैं, हम लोग तो पॉलिटिकल लोग ऐसे भाषण रोज होते रहते हैं, रोज स्पीच होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आपका ये काम अमली काम है, इससे लोगों को सीख मिलती है, इससे लोगों में जज्बा पैदा होता है। आज ये बच्चे जो जमीन में बैठ करके आपका भाषण सुन रहे हैं, हो सकता है ये कन्नड़ बन जाए, हो सकता है ये ब्रिगेडियर बन जाए, हो सकता है ये जज बन जाए, आपका आज का ये भाषण ये वो हौसला अफजाई करेगा कि हमें यकीन है कि आज इन स्टूडेंट में आने वाले टाइम में जरूर राजीव कुमार जी और इनसे भी आगे जाकर के बनेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनते सुनते बोलने की आदत खत्म हो जाती है। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब जब भाषण कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो मैं मन में अपने हिम्मत जुटा रहा था, चलिए इनके बात बोल लूंगा, लेकिन फिर असलम साहब ने ऐसी गेम खेली, मुझे लगा कि अब तो क्लीन बोल्ड हो गया है। अच्छे वजह से भाषण के बाद फिर उठने की हिम्मत ही नहीं रही थी कि कैसे करोगे, पोडियम कौन पेश करेंगे। छोटे से थोड़ा सुनने वाले, तो सुनते सुनते बोलने की आदत खत्म हो जाती है। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब जब भाषण कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो मैं मन में अपने हिम्मत जुटा रहा था, चलिए इनके बात बोल लूंगा, लेकिन फिर असलम साहब ने ऐसी गेम खेली, मुझे लगा कि अब तो क्लीन बोल्ड हो गया है। अच्छे वजह से भाषण के बाद फिर उठने की हिम्मत ही नहीं रह गई थी कि कैसे करोगे, पोडियम कौन पेश करेंगे। छोटे से थोड़ा हमने यहाँ से विश्राम किया था, आज उसी उन्हीं वर्षों में पहुंच गया जब सौरभ भाई ने आज बाकी फिर अंदर का बचपना जो हमने का स्टूडेंट अंदर का फिर दोबारा पढ़ा गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब फिर दोबारा कोई एक ऐसा मोमेंट जो आज आप डिस्कस कर रहे हो, आज
पढ़ाई के दौरान का जी, आज हमारे को टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया था उसमें से अधिकांश ऐसे थे जो पढ़ाते पढ़ाते ही दिन में से बहुत सी चीज़ें हम लोग को याद कर लेते, काश कुछ मिलते उनके आज हम बैठ दोबारा कहना चाहेंगे कि अपने माँ बाप को और टीचर्स को भगवान ने गौर समझे क्योंकि यही लोग उन बच्चों के विषय में सबसे अच्छा सोचते हैं, उन बच्चों को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उन बच्चों का भविष्य तय करते हैं। और यकीन मानिए अगर पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के बाद अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास रखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा।